आज शाम 6 बजे के करीब करनाल के नमस्ते चौक के समीप स्थित सक्षम फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर अज्ञात तीन मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप पर गोलियां चलाकर लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप पर यह वारदात की गई, जिसमें एक ट्रक चालक का कंडक्टर जो उस समय पेट्रोल भरवाने आया हुआ था उसको गोली लगी है। वह जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, परंतु अभी वह खतरे से बाहर है। वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। वो टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि शाम 6 बजे के करीब नमस्ते चौक के समीप स्थित सक्षम फिलिंग स्टेशन पर आए तीन अज्ञात लुटेरों द्वारा पेट्रोल पंप पर वारदात की गई, जिसमें पेट्रोल पंप पर आने वाले गैस का बैग छीनकर वह फरार हो गए, जिसमें लाखों रुपए की नकदी बताई जा रही है। वहीं मौके पर फोर्सिंग टीम ने पहुंचकर फिंगरप्रिंट लिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। यहां हम आपको बता दें कि करनाल सिटी एक क्राइम सिटी बन चुका है। अभी चंद दिनों पहले ही करनाल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर राजीव गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, परंतु पुलिस प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही और यह दूसरी वारदात भी करनाल में ही हो गई। करनाल में सरेआम दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोग दहशत के माहौल में हैं। मौके पर शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने पहुंचकर पेट्रोल पंप पर हुई वारदात पर अपना अफसोस भी जाहिर किया। करनाल के ये आदमी ये बाहर के हैं, सोनीपत वगैरह रोहतक वगैरह साइड के लगते हैं। पहले भी मतलब इस किस्म की पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा वारदातें 2013 में हुई हैं, निवाड़ी में, रोहतक में और करनाल में, हिसार साइड में, तो लग गया होगा नहीं पता कोई सी बात। रेनकोट डाले हुआ था ना तीनों ने, फोटो पटाप लगाया हुआ था। तीन जने थे वो? हाँ जी, तीन बदमाश जो थे। हाँ जी, मोटरसाइकिल पे थे। मोटरसाइकिल कौन सी थी? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी। नहीं, जो जो पैसा लूटने की कोशिश की गई वो पेट्रोल पंप से लूटने की कोशिश की गई? हाँ जी, पेट्रोल पंप से। आपका जो सेल्समैन होता है उससे पैसा? उससे वो बैग ले लिया हुआ था, सुबह का कैश था सारा, सारी पर्चियां कार्ड सब थे। अभी ड्यूटी चेंज होनी थी हमारी 7 बजे, तो पैसा लेके जा तो नहीं सके वो? नहीं, पैसे लेके निकल गए, बैग लेके। पैसा ले चुके हैं वो? हाँ जी, बैग रखते हैं ना हम, वो एक बैग था सुबह से लेके जो अब तक की हमने सेल की थी, जो भी कुछ डाला था उसमें, उसके अंदर था सब कुछ। तो अब ड्यूटी बदलनी थी, हमने दूसरे बंदे आने थे, ड्यूटी चेंज होने थे, तो उससे पहले 7 बजे ड्यूटी चेंज होती है, तो 6:30 बजे हम काम करके ले। लगभग कितना कैश होगा जो लेके बदमाश? वो सारे पर्ची पुर्ची मिला के 2.5 के आसपास होना। 2.5 लाख रुपए कैश था। एक ही बाइक पे तीन लोग सवार थे? एक ही बाइक पे तीन लोग सवार। तीन लोग सवार, एक के हाथ में चाकू था, एक आगे बाइक चला रहा था, दूसरा फायर कर रहा था। फायर किसको लगा? किस पर फायर किया? इस पे है सेल्समैन, जिसके पास बैग था। कौन सा सेल्समैन है? ये है सामने, ये वो सेल्समैन है। आपका क्या नाम है सर? गुलशन। गुलशन, कब से नौकरी कर रहे हैं यार? 9 साल करीब हो गई। 9 साल के करीब? 9 साल से। क्या हुआ था एग्जैक्ट बताएंगे? सर मैं कैश काट रहा था जी, वहाँ उन्होंने आए एकदम और मेरे को चाकू दिखा दिया और बैग तनी काट दी, फिर मेरे को गोली दिखाई, मैं तो नीचे गिर गया, आगे जो खड़ा उसको गोली लगी। जो ड्राइवर का? आपका क्या नाम है? गुप्सन जी। तो आप सेल्समैन थे, तो कितने पैसे थे आपके पास? कुछ पता चला? दिन की कैश थी पूरी 2.5-3 लाख। वो किस पे आए थे जब आपको लूटा उन्होंने? स्प्लेंडर पे है। तीनों नकाब पहुँचते? हाँ, एक तो बैठे रहे जी थोड़ी देर, और जो मेरे को चाकू दिखाया उन्होंने, फिर उन्होंने तनी काट दी बैग की, बैग खोज दिया मेरे पास। तो गोलियां कितनी चलाई? गोली तो मेरे को चलाने लगे, मैंने नीचे गिर गया। तो किस भाषा में आपसे बातचीत की, क्या कहा? मेरे को तो मार देंगे, गोली मार देंगे बस। एक तो अकल भाषा थी कैसी थी? कुछ नहीं, बस यही कहा गोली मार देंगे। हथियार एक के हाथ में था? हाँ, एक ले रहे, बाकी चक्कू ले रहा। नंबर लिखा हुआ था मोटरसाइकिल का? नंबर ध्यान करा मैं। तो गोली कंडक्टर पर क्यों चलाई? ड्राइवर और कंडक्टर पता नहीं कितना खड़ा होगा, मैं तो नीचे बच गया जी, मेरे साथी में लग गई गोली। आप कितने साल से यहाँ काम करते हैं? 8-9 साल हो गए। गुलशन नाम है, कहाँ रहते हैं आप? कैश ले गए वो? कैश ले गए वो? कितना कैश? कितना था? 10-3 लाख रुपया होगा। 10-3 लाख पर्चियां भी आया सारे। कैश अभी एग्जैक्टली इनको पता नहीं है, 15,000-20,000 वो भी ये कैलकुलेट करके मालिक है ये बता देंगे। और उनमें से एक लड़के के पास पिस्टल थी जिसने फायर किया, और फायर जो है यही एक पेट्रोल पंप पे एक ट्रक ड्राइवर और को ड्राइवर थे, तो को ड्राइवर के पैर में लगी है, वो आउट ऑफ डेंजर है, वो हॉस्पिटल में उसको तुरंत लेके गए, वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत बड़ा पुलिस के बार गए पहले भी, कुछ दिन पहले ही डॉक्टर राजीव गुप्ता की हत्या हुई थी करनाल। देखिए ये हमने अपने काम स्टार्ट कर दिया है, 3-4 टीम भी बना दी, अभी इससे ज़्यादा स्टेज पे बताना ठीक है। सीसीटीवी में आया सर कुछ? सीसीटीवी में भी फुटेज लिए हैं, आसपास की भी हमने लिए हैं, तो जो
जो काम होना चाहिए वो सभी हो रहा है। सर कितने फायर किए हैं? अभी इससे ज्यादा नहीं बता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।